हेलो लर्नर, तो आज हम लोग वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में स्टडी करेंगे। वॉल्ट व्हिटमैन जो थे वो अमेरिकन पोइट थे, वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। ही वॉज बॉर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892। ही वॉज ए पोइट, एसेस्ट एंड जर्नलिस्ट। वो एक पोइट थे, कवि थे, एसेस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। ही इज नॉन एज पोइट लॉरिएट ऑफ डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी के प्रथम पोइट लॉरिएट रहे। हिज पोइट्री कलेक्शन द लिप्स ऑफ ग्रास। द लिप्स ऑफ ग्रास जो है ना, इसका पोइट्री कलेक्शन है कि ये काफ़ी फेमस है। ऑल्सो नॉन एज बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी, इसे बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। फर्स्ट स्मॉल बुक ऑफ 12 पोएम। लिप्स ऑफ ग्रास का जो कलेक्शन था उसमें फर्स्ट जो कलेक्शन किया गया था सिर्फ 12 पोएम का ही कलेक्शन किया गया था। लास्ट ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ द ओवर 400 पोएम्स। और लास्टली 400 से अधिक पोएम का उसमें कलेक्शन किया गया। एजरा पॉन्ड कॉल्ड हिम। एजरा पॉन्ड जो थे वो अमेरिकन पोइट थे और उस समय के काफ़ी फेमस पोइट रहे। उसने इसके बारे में बोला, अमेरिकन पोइट, ही इज अमेरिका। ठीक है, इसके बारे में ये बोला था। हिज फेमस वर्क्स, इसका जो कुछ फेमस वर्क्स है जैसे पोएम्स है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पैसेज टू इंडिया, ये पोएम है। और एक ये पैसेज टू इंडिया जो है ई एम फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन। इसके बाद है व्हेन लेलकस लास्ट इन द डूरियार्ड ब्लूम। और लास्ट जो है ड्रम टैप्स, जो 1866 में पब्लिश हुआ। अभी हम लोग वॉल्ट व्हिटमैन के पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में देखते हैं। इन ओपनिंग लाइन बताते वॉल्ट व्हिटमैन जी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, मैं खुद को गाना गाता हूँ। मतलब एक फेस्टिवल के समान वो अपने आप को बताते हैं और ख़ुद में ही वो इन्जॉय करते हैं। और बताते हैं नेक्स्ट लाइन में, एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो चीज़ मैं मानता हूँ वो चीज़ तुम लोग मानोगे। यू एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे बताते जो चीज़ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस एटम से मैं बना हूँ, उसी एटम से तुम भी बने हो और वहीं से तुम बिलोंग करते हो। इसका कहने का मतलब ये है, वो अमेरिकन पोइट थे और ये जो पोइट्री जो लिखा गया था अमेरिकन्स के लिए लिखा गया था, इसलिए वो बताते कि जो जिस चीज़ से मैं बिलोंग करता हूँ उसी चीज़ से तुम भी बिलोंग करते हो, वहीं से तुम भी गुजरते हो, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं से तुम भी रह रहे हो। नेक्स्ट लाइन में बताते, आई लोव मीन्स भटकना होता है, आई लोव एंड इन्वाइट माई सोल। मैं इधर उधर भटकता और मैं अपने सोल को इन्वाइट करता, मैं अपने आत्मा को पुकार देता हूँ। आई लीन, मैं झुकता हूँ एंड लोप एट माई इज ऑब्जर्विंग स्पीड ऑफ समर्स ग्रास। और समर के समय मैं सूखी हुई घास को ऑब्जर्व करता हूँ। स्पीयर मीन्स होता है भाला, यानी ये जो सूखी हुई ग्रास है वो एक भाले के समान हो गया, मैं उसे आसानी से ऑब्जर्व करता हूँ। नेक्स्ट लाइन में बताते, माई टंग एवरी एटम्स ऑफ माई ब्लड formed from this soil, this air। बताते हैं कि माई टंग, मेरे जीवा और ब्लड के मेरे हर एक कण इसी धरती से बनी है, इसी धरती यही अमेरिकन एयर से ही बना है। मतलब जहाँ मैं रह रहा हूँ इस धरती से मैं बना हूँ। नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स एंड द सेम देयर पेरेंट्स द सेम। बताते मेरे पेरेंट्स भी आए हैं जन्मे, मैं उसी के संतान हूँ, मैं उसी से जन्मा हूँ और मेरे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स यहीं से बिलोंग करते हैं। यानी वो जो बात बताते हैं कि मैं अमेरिकन हूँ, मेरे पेरेंट्स भी अमेरिकन थे और उनके भी जो पेरेंट्स थे वो अमेरिकन थे। आई एम नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन द परफेक्ट हेल्थ बिगिंस। और बताते मैं अब 37 ईयर्स का हो गया हूँ और मैं अभी सही हूँ, मैं परफेक्टली हेल्थ हूँ, मैं सही ढंग से मेरी बॉडी काम कर रही है। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, और मैं आशा करता हूँ कि टिल डेथ यानी डेथ के समय तक मैं अपना लिखना बंद नहीं करूँगा, मैं अपने आप को सेलिब्रेट करना बंद नहीं करूँगा। क्रिट्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। क्रिट्स मीन्स होता है धर्म एंड स्कूल्स मीन्स होता है थाट, यानी सिस्टम ऑफ थाट यानी सोचने के तरीके। बोलते हैं ये जो धर्म और सोचने के तरीके मैं कुछ देर के लिए एवियंस कर देता हूँ, रोक देता हूँ, ठहराव देता हूँ। रिटायरिंग बैक अ वॉल
सफास्ट एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेन। लेकिन ये फिर से विचार आ जाती है, ये मुझे विचार छोड़ती ही नहीं क्रिटिक्स के बारे में। नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मेरे अंदर बोथ, मेरे अंदर जो है ना अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ है, मैं दोनों चीज़ को रखा हुआ। यानी मैं ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ कि मैं बुरा ही हूँ मैं अच्छा ही हूँ, मेरे अंदर दोनों चीज़ है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड्स, और मैं मुझे परमिट है, मैं बोल सकता हूँ प्रत्येक हैजर्ड्स में, यानी विषम परिस्थिति में कोई भी यदि घटना घटती है मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई रोकेगा। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और नेचर ने मुझे जो एनर्जी दी है बोलने का, लिखने का और सेलिब्रेट करने का, मैं उसे सेलिब्रेट करता ही रहूँगा और मैं खुद को सेलिब्रेट करूँगा, मैं खुद से ही गाना गाऊँगा, यही वॉल्ट व्हिटमैन जी बोलना चाहते हैं।